तो ये कंप्लीट हो चुका है, फुल ऑन कंप्लीट। इधर से ही पैक, उधर से ही पैक। अब ये किसके लिए बनाया है ये बाद में सुबह दिखाते हैं किसके लिए बनाया है। तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन चलो अच्छा हुआ। अब हम खाना खाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ये बनाते बनाते काफ़ी मेहनत हो गई, तब खाना खाते हैं। तो उसके बाद में सुबह बताएँगे आपको कि किस चीज़ के लिए बनाया है। मिनी हाउस इनसाइड दिखा देते हैं, ये देखिए बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब इसकी सफाई करते हैं, फिर इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे हमारे पपीस जो रात में एक डोगी था यानी एक कुतिया थी जो बेचारी रोड पर ही उसने बच्चे दे दिए, इसलिए उसके लिए बनाया है। तो चलो सफाई करते हैं। तो अब हम उन्हें लेकर जा रहे हैं। पहले हमने एक टेम्परेली ये बनाया था, ये टेम्परेली बनाया था, और ये रहे देखो, इन सब के लिए हमने अच्छे से मेहनत की है रात को। अब इन्हें ट्रांसफ़र करने का वक्त आ गया, इसलिए अब इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों देखो सबसे प्यारी बात ये है, क्योंकि परसों ये कुत्ती यहाँ पर भी आई थी और रात में बहुत तेज़ बारिश आ गई थी, तो इसलिए टेम्परेली जुगाड़ किया और काफ़ी परेशान रहे हम तीन चार दोस्त, तो इसलिए हमने वो घर बनाया है। तो अब इन्हें ट्रांसफ़र करता है। और ये कुत्ती में सबसे बड़ी खास बात यह, देखिए ऐसा अगर कोई भी है ना जानवर, रोड का जो जानवर होता है ना रोड छाप, वो अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देता, लेकिन ये हमें खूब हाथ लगाने दे रही है, कुछ नहीं करती हमारे साथ। ये देखिए अब मैं आराम से उठा भी लूँगा, ये देखिए आप, मैं आराम से उठा भी लूँगा फिर भी ये मेरे से कुछ नहीं करेगी। ये देखिए मैं एक एक को ले जाऊँगा, ये मेरे से कुछ नहीं कहेगी, ये देखिए। दोस्तों पहले मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उठ नहीं रहे कहाँ से। चलो पहले मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ वहाँ पर नए घर में जो हमने बनाया इनके लिए, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अकेला हूँ मैं इसलिए। तो ये शिफ्ट कर दिया इनको सबको यहाँ पर, देखिए मस्त आराम से अब खेलने में लग रहे हैं। अब ये रात में सर्दी भी नहीं मरेंगे, चाहे बरसात आ चाहे कुछ भी आओ, बढ़िया व्यवस्था कर दी है इनके लिए। ये देखिए ये आराम से एक एक को संभाल रही है बढ़िया। सब दूध पीने में लग रहे हैं मस्त, ये देखिए कोई भी एक बच्चा उठा लो कोई दिक्कत नहीं आती है, कुछ भी नहीं करती है ये, उठाओ खेलो। चलो अभी इन्हें दूध पीने देते हैं। तो दोस्तों अगर इसी तरीके से आप लोगों का अगर आसपास भी अगर ऐसा कुछ है भाई, कोई भी डॉग अगर ऐसे रोड पर या खुली जगह में ऐसा कुछ बच्चे दे दे, तो आप लोग भी अपनी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा पैसा लगा कर अगर इस तरीके से कोई भी जगह पर ऐसा कुछ कर दें तो इनके लिए बहुत मदद हो जाएगी दोस्तों। तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ होए तो आप उसे इग्नोर ना करें, आप भी उनकी हेल्प करें। ओके, तो ये अभी अपना चैनल इस काम का है नहीं जो, इसलिए हम कोई भी सब्सक्राइब वगैरह की नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं, बस हम यही चाहते हैं अगर आपके सामने भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो ना दोस्तों, तो ऐसा थोड़ा सा अपने बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम निकाल कर और थोड़ा सा पैसा लगा कर ऐसा कुछ इन लोगों के लिए कर दे, ताकि ये लोग भी बेचारे अच्छे से अपनी लाइफ बिता पाए। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।